Welcome to Sushmita's science class. Here, science is made so interesting and easy that you'll all start loving it. Children, let's revise pollution quickly. What is pollution? Introduction of harmful substances into the environment because of human activities is called pollution. There are four types of pollution: air pollution, water pollution, noise pollution, and land pollution. The common causes of pollution. For air pollution, smoke from industries and vehicles, burning garbage, bursting crackers. So pollution kya hai? Jab insaan apne kamon se gandagi phailate hain environment mein, apne aas paas, to use pollution kehte hain. Pollution char tarah ke hote hain. Hawa ka pollution, pani ka pollution, awaaz ka pollution aur land ka pollution. Common causes of pollution. किससे पॉल्यूशन होता है? एयर पॉल्यूशन होता है स्मोक से, जो कि इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और गाड़ियों से निकलती हैं, कचरा जलाने से आते हैं, धुआं से होता है, बर्स्टिंग क्रैकर्स, पटाखे फोड़ने से जो धुआं होता है उससे एयर पॉल्यूशन होता है. नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन. ड्रेन्स फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज कैरी डर्टी वाटर कंटेनिंग डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट्स. फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड्स. तो हमारे घरों से जो सीवेज वाटर जाता है या बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब पानी और फैक्ट्रीज से जो केमिकल मिला हुआ पानी, ये जब नदियों में जाते हैं तो उस वो पानी को दूषित कर देता है, गंदा कर देता है. और हम फील्ड्स में, खेतों में जो फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं या पेस्टिसाइड्स कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, ये सब पानी में चला जाता है. जो पानी डालते हैं इरिगेशन के लिए, उस पानी के साथ मिलके ज़मीन के नीचे चला जाता है और उससे ज़मीन के नीचे वाला पानी भी दूषित हो जाता है. और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन, शिफ्टिंग फैक्ट्रीज फ्रॉम पॉपुलेटेड एरियाज़ टू रिमोट एरियाज़. जहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ से फैक्ट्रीज़ को शिफ्ट करके ऐसे जगह पर लेकर जाओ जहाँ इंसान नहीं रहते हैं या फिर कम इंसान रहते हैं, शहरों से काफ़ी दूर. हाई चिमनीज़ फैक्ट्रीज़ में या जहाँ से भी धुआं निकलता है वहाँ लंबे लंबे चिमनीज़ डाल देते हैं ताकि धुआं बहुत ऊपर जाए और उससे थोड़ा पॉल्यूशन कम होगा. ट्रीटिंग वाटर बिफोर बींग ड्रेन्ड. जो पानी नदियों में मिलता है उसको पहले से ट्रीट कर देना चाहिए, जैसे केमिकल जो बाहर जा रहे हैं उसको डिटॉक्सिक कर दे, या सीवेज का पानी जो जा रहा है उसको छान कर भेजे ताकि जो सॉलिड गंदगी है या फिर जो गंदगी को अलग से यूज़ किया जा सकता है, जैसे बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को अलग कर दे और उसको मैन्योर के लिए भेज दे, बाकी क्लियर पानी को नदी में जाने के लिए छोड़ दे. नेक्स्ट इज नॉइज़ पॉल्यूशन. द थ्री कॉजेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन आर हॉकिंग ऑफ व्हीकल्स, प्लेइंग लाउड स्पीकर्स, नॉइज़ फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड मशीन्स. नॉइज़ पॉल्यूशन कौन करता है? गाड़ियाँ जो बहुत ज़ोर से हॉर्न बजाते हैं. स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के सामने आपने नो हॉकिंग जोन देखा होगा. प्लेइंग लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स बजाने से, जिससे बहुत ज़ोर से आवाज़ डिस्टर्बेंस कॉज करता है, उससे नॉइस पॉल्यूशन होता है. नॉइस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड मशीन्स, फैक्ट्री के आसपास जाने से जो बहुत ज़ोर से मशीन्स के आवाज़ें आती हैं उससे नॉइस पॉल्यूशन होता है. एक्सपोजर टू लाउड नॉइस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉज डेफनेस एंड हेडेक. बहुत देर तक अगर हम लाउड नॉइस सुनते रहें तो उसके बाद हमें सुनना बंद हो जाता है, और कंटिन्यूस अगर लाउड नॉइस के पास रहें तो कुछ दिन बाद डिफनेस भी हो जाएगा, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, और हेडेक तो होता ही है ज़ोर से शोर मचाने से, शोर सुनने से. लैंड पॉल्यूशन, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, डंपिंग गार्बेज, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, सॉइल इरोशन. केमिकल फर्टिलाइजर्स से ज़मीन में वो मिलते हैं और पेस्टिसाइड्स जो ज़मीन में मिलते हैं तो वो मिट्टी को भी ख़राब कर देता है, मिट्टी को पॉइजनस कर देता है. डंपिंग गार्बेज, हम गंदगी जो डंप कर देते हैं और जो नहीं सड़ते हैं, मिट्टी के साथ मिलते नहीं हैं, वो ज़मीन पे रह जाते हैं, उससे भी लैंड पॉल्यूशन होता है. एंड सॉइल इरोजन. अब ये सॉइल इरोजन क्या है? वेयरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल,
बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉयल इरोजन। जब जोर से हवा चलती है और पानी बहता है तो जमीन के जो टॉप लेयर है, आपने पढ़ा है सॉयल में कि टॉप लेयर में ह्यूमस होता है, उसको बहाकर या उड़ाकर लेकर चला जाता है, इससे सॉयल इरोजन होता है। और अगर ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा नहीं रहा जिसमें ह्यूमस है तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, और प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाएंगे तो लिविंग थिंग्स भी अफेक्टेड होंगे क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा। आपने फूड चेन में पढ़ा है कि सारे एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं क्योंकि प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। टू प्रिवेंट लैंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज एज द रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो करो ताकि रूट्स जो हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखे और ऊपर वाला हिस्सा जिसमें ह्यूमस है टॉप लेयर सॉइल से हट ना जाए। स्टॉप डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट विद नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक ग्लास एंड मेटल्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें सड़ते नहीं हैं, प्लास्टिक ग्लास मेटल्स, ये अगर ज़मीन में रह जाए तो वो लैंड पॉल्यूशन क्रिएट करता है, उसको हमें नहीं फेंकना चाहिए। थ्रो गार्बेज इन प्रॉपर डस्टबिन्स फॉर ड्राई एंड वेट वेस्ट सेपरेटली। जो हम गार्बेज फेंकें वो ड्राई और वेट, अलग अलग डस्टबिन बना है तो अलग अलग इकट्ठा करके हम फेंकें ताकि वेट वेस्ट जो है, जो बायोडिग्रेडेबल है, उसको मैन्योर बनाने के लिए यूज़ कर लें, और ड्राई वेस्ट जो है उसको रिसाइकल करने के लिए भेज दें। मेन चीज़ हम टोटल पॉल्यूशन स्टॉप कर सकते हैं किस तरह से, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। रिड्यूस मीन्स हम अपना कचरा करना बंद कर दें, कम कर दें, कचरा करना कम कर दें। रीयूज यानी एक चीज़ को दोबारा से यूज़ करें, और रिसाइकल जो चीज़ें दोबारा डायरेक्ट नहीं यूज़ किया जा सकता उसको रिसाइकल कर लें। जैसे प्लास्टिक्स को पिघलाकर दोबारा से प्लास्टिक की चीज़ें बन सकते हैं, मेटल्स को भी मेल्ट करके दोबारा से उसको रीशेप किया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग ड्राई वेस्ट को अलग रख के पेपर को रिसाइकल किया जा सकता है। तो ये रिसाइकल करने के लिए हम फैक्ट्रीज में भेज दें। रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, हम अपना कचरा करना कम कर दें, दोबारा से एक ही चीज़ को यूज़ करें। जैसे जैम के बॉटल्स अगर आए हैं तो वो जैम ख़त्म हो जाए तो हम दूसरी चीज़ों को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए उसको यूज़ कर लें। रिड्यूस, अगर हम पेपर नैपकिन्स नहीं यूज़ करते हैं तो पेपर वेस्ट होना कम हो जाएगा, पेपर नैपकिन की जगह हम क्लॉथ हैंकी यूज़ करें, प्लास्टिक बैग्स के जगह हम क्लॉथ बैग्स यूज़ करें, इसका मतलब हम अपना कचरा कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। हम व्हीकल्स कम यूज़ करें, व्हीकल्स के जगह साइकिल यूज़ करें या कम डिस्टेंस पे चल के जाएं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना कम कर रहे हैं, मतलब हम अपना वेस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। और रिसाइकल, जैसे मेटल कैंस यूज़ कर लिया, प्लास्टिक चीज़ें जो हम एक बार यूज़ करके थ्रो अवे कर देते हैं, तो वो चीज़ें ऐसी जगह पर दे दें जहाँ वो रिसाइकिल हो सके। यूज्ड पेपर, न्यूज़पेपर्स, इसको भी हम रिसाइकिल करने के लिए भेज दें ताकि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कम हो। इफ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।